बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एस्पायर कॉलेज चुनिया की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करें, तो उसका आज फर्स्ट लेक्चर है और हमारा फर्स्ट लेक्चर है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नील बोहर 1913 में नील बोहर ने अपना ये मॉडल दिया था और उसने अपना ये मॉडल हाइड्रोजन के एटम को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था। उसने किसी और एटम को एक्सप्लेन नहीं किया था, उसने अपने मॉडल के थ्रू सिर्फ हाइड्रोजन के एटम को एक्सप्लेन किया था। तो उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के, वो न्यूक्लियस के गिर्द गोल गोल गर्दिश करते हैं, यानी कि वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ पाथ्स होते हैं या जिनको हम सर्कुलर पाथ्स बोलते हैं, उनकी जो इनर्जी होती है वो इनर्जी कॉन्स्टेंट होती है, यानी कि हर पाथ की जो इनर्जी होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, वैसे वैसे जो इनर्जी है वो ज़्यादा होती जाती है। तो ये हम स्टार्ट करेंगे अभी पॉस्टुलेट्स और इसके डिफेक्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं बोहर के मॉडल के। फर्स्ट रिजल्ट उसका क्या है, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ और ऑर्बिट्स और स्टेशनरी स्टेट्स। ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इनमें रिवॉल्व करता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है न्यूक्लियस के करीब, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इनको नंबर दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3 और n इज इक्वल्स टू 4। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन ये जो रस्ते हैं, ये गोल गोल सर्कल्स हैं, इनमें गर्दिश करती हैं। इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स को हम ऑर्बिट भी बोलते हैं और स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलते हैं। ये जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं इनको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी इनर्जी भी फिक्स होती है और इनका जो रेडियस है वो भी फिक्स होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एनर्जी है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब वाला ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। इसको और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। और सेकंड पॉस्टुलेट है, द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडिड और रिमूव। पहले पॉस्टुलेट में हमने बात की थी एनर्जी की, तो हमने देखा था कि एनर्जी जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, एनर्जी उसकी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे वो दूसरा पॉस्टुलेट में वो क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट तब तक चेंज नहीं होगी जब तक हम उसमें एनर्जी को ऐड नहीं करते या फिर उसमें से एनर्जी को निकालते हैं। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कम करते हैं, यानी कि अगर ये दूसरे ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो हम उसकी एनर्जी को कम करते हैं, तो वो जंप करके फर्स्ट वाले ऑर्बिट में आ जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो वो अपनी एनर्जी को अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए वो पहले ऑर्बिट में आ जाएगा। और अगर इसी तरह अगर हम किसी ऑर्बिट में एनर्जी को ऐड करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले ऑर्बिट से जंप करके बाहर वाले ऑर्बिट में आ जाएगा, क्योंकि बाहर वाले ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, अंदर वाले की कम थी और हमने इसमें एनर्जी को ऐड किया, तो वो बाहर वाले ऑर्बिट में जंप करके आ जाएगा। ऐड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, जब एनर्जी ऐड करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ। रिमूव एनर्जी, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, किसी ऑर्बिट की एनर्जी हम रिमूव करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। थर्ड पॉस्टुलेट है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन एटम डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट्स। हमने दूसरे पॉस्टुलेट में बात की कि अगर एनर्जी निकलती है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट की तरफ, तो जो एनर्जी निकलती है वो रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है। लॉस ऑफ एनर्जी मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है और वो रीजन को एक्सप्लेन करती है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के रीजन को एक्सप्लेन करती है। तो जो रेडिएशन निकली है वो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस है, क्योंकि जब एनर्जी निकली थी तो जो इलेक्ट्रॉन था वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ गया, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है, जितना उन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होगा वही उस रेडिएशन की एनर्जी होगी। अब ये रिलेशन है एच सी और लैम्डा, ये एनर्जी है रेडिएशन की, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये एनर्जी है उसकी, ये किसके इक्वल है, इनिशियल फाइनल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये एच सी को हम इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ई, एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट। यहाँ पे जो एच है ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है और जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट है। इसी तरह हम ये देखते हैं, अगर थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करके
लेके जाता है तो वो किसके इक्वल है, एच सी ओवर लैम्डा, रेडिएशन ऑफ एनर्जी के इक्वल है अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाता है। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये एप्लीकेशन है बोहर का जो थर्ड पॉस्टुलेट है, उसकी एप्लीकेशन है। और ये हमें बताता है कि बोहर का जो थर्ड पॉस्टुलेट है वो कैसे एमिशन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करता है। यहाँ हम देखते हैं कि एनर्जी दी हुई है ई वन ई टू ई थ्री एंड ई फोर, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, सेकेंड ऑर्बिट की, थर्ड की और फोर्थ की, या फ्यू फिक्स एनर्जी लेवल्स की। हमने पहले पॉस्टुलेट में देखा था कि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स होती है, तो यहाँ पर भी लिख दिया कि ये फिक्स एनर्जी लेवल्स हैं। और अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस हमने लिया ई टू माइनस ई वन, सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट का डिफरेंस, इसी तरह थर्ड का, सेकेंड का, फोर्थ का, थर्ड का एंड सो ऑन, तो ये जो डिफरेंस है ये भी क्या होगी, फिक्स्ड लो फिक्स्ड वैल्यूज होंगी, फ्यू फिक्स्ड, इनको हम फ्यू फिक्स्ड वैल्यूज भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये जो एनर्जी लेवल से ये फिक्स थे, तो जब इनका हमने डिफरेंस लिया तो वो भी क्या है, हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज आई सी। और हमने सेकेंड पॉस्टुलेट, थर्ड पॉस्टुलेट में ये भी देखा कि जो डेल्टा ई जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हमें वेवलेंथ का एक्सप्रेशन देता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही उतनी वेवलेंथ होगी, इन दोनों का इनवर्स रिलेशन आ रहा है, तो जितनी एनर्जी लॉस होगी वेवलेंथ कम होगी, और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी वेवलेंथ कम होगी, अगर एनर्जी का डिफरेंस कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। डेल्टा ई फ्यू फिक्स वैल्यूज, जब ये वाली एनर्जी हमारे पास फिक्स वैल्यूज हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या होगी, कुछ फिक्स वैल्यूज होंगी। और जब हमारे पास डिफरेंस एनर्जी का जो डिफरेंस है वो फिक्स वैल्यूज में आया है तो हमारे पास जो वेवलेंथ आएगी लैम्डा वो भी क्या होगी, फिक्स्ड वैल्यूज होंगी। ये की बात एक्सप्लेन करती है एमिशन स्पेक्ट्रा को, एमिशन स्पेक्ट्रा शोज फ्यू लाइंस इन्हीं वैल्यूज लैम्डा की, इन्हीं फ्यू फिक्स्ड वैल्यूज की वजह से एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो हमें फ्यू लाइंस ही देता है, कुछ लाइंस ही देता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कंटिन्यूस नहीं है। एमिशन स्पेक्ट्रा शोज फ्यू लाइंस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, फोर्थ पॉस्टुलेट है दी इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। फोर्थ पॉस्टुलेट हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर वे में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका रेडियस आर है और उसकी वेलोसिटी जो है वो वी है, तो हम कहते हैं कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एम वी आर है। ये भी हमें बोहर ने बताया था कि जो मूविंग सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एम वी आर होगा। ठीक है, और हमने ऊपर देखा कि जब लैम्डा की वैल्यूज हमारे पास फिक्स आई तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास उसकी वैल्यूज भी क्या आई है, हमारे पास फिक्स आई है, जिनको हम क्या बोल देते हैं क्वांटाइज्ड, कि जो एनर्जीज हैं वो फिक्स्ड हैं और उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं क्वांटाइज्ड। और यहाँ पे हम कहते हैं कि जो एन है एंगुलर मोमेंटम जो है वो इक्वल होता है एन एच ओवर टू पाई, तो यहाँ पे जो एन है वो एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब है कि इसकी जो वैल्यूज होंगी वो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन। ठीक है, ये कभी भी एन की वैल्यू जो है वो पॉइंट में नहीं आएगी, पॉइंट फाइव या पॉइंट सिक्स में इनकी वैल्यूज नहीं आती। तो बोहर ने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी मूविंग पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो एन एच ओवर टू पाई की इक्वल होता है, वो क्वांटाइज्ड होता है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। और ये जो एन है ये इंटीजर है, इसकी वैल्यू वन टू थ्री होगी और ये पॉइंट में वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये हमें ऑर्बिट्स के बारे में बताता है। और जब इसकी फ्यू वैल्यूज होंगी, फिक्स फ्यू वैल्यूज होंगी, तो इसकी भी फ्यू वैल्यूज होंगी, जिससे साबित होता है कि कुछ ही ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे। नेक्स्ट आर डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये बोहर ने अपना मॉडल दे दिया था, उसके पोस्टुलेट्स को हमने स्टडी कर लिया, तो ये पोस्टुलेट्स में कुछ डिफेक्ट्स थे। बोहर के हमने पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ लिया, चार पोस्टुलेट्स थे, लेकिन ये पोस्टुलेट्स में कुछ डिफेक्ट्स थे, तो वो अभी हम डिफेक्ट्स को स्टडी करेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट डिफेक्ट ये है, ओनली एक्सप्लेन्स इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम ऑफ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कि जो बोहर था उसने सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए अपना मॉडल दिया था। तो वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कौन से एटम आएंगे, हाइड्रोजन आएगा, हीलियम आयन आएगा, लिथियम आयन आएगा। डोंट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन और पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये सिर्फ मोनो को क्यों एक्सप्लेन करता था, क्योंकि इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही
और न्यूक्लियस की आपस में अट्रैक्शन को काउंट किया था, उसने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन को अकाउंट नहीं किया था, उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की आपस में जो अट्रैक्शन होती है उसको काउंट करते हुए अपना ये मॉडल दिया। तो अगर हम हाइड्रोजन में देखें, अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगी, तो इसने सिर्फ अट्रैक्शन को काउंट करते हुए अपना ये मॉडल दिया था। लेकिन अगर हम हीलियम को देखें, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन, तो इनमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की आपस में भी रिपल्शन शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन बोहर ने सिर्फ अट्रैक्शन अट्रैक्शन को देखते हुए ये मॉडल दिया था, इसलिए ये हीलियम आयन को तो एक्सप्लेन करता है लेकिन हीलियम एटम को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि हीलियम एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और जब दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह लिथियम है, लिथियम आयन को तो एक्सप्लेन करता है लेकिन लिथियम एटम को ये एक्सप्लेन नहीं करता। लिथियम आयन में से अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो बाकी इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और एक इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की आपस में अट्रैक्शन होगी, तो उसी को काउंट करते हुए इसने मॉडल दिया था। तो ये लिथियम आयन को तो एक्सप्लेन करता है लेकिन लिथियम एटम को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि लिथियम एटम में तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और तीन इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तो उनकी आपस में रिपल्शन शुरू हो जाएगी। तो ये डिफेक्ट है इसका, कि ये सिर्फ पहला डिफेक्ट ये है कि ये सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन करता है, ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं करता। सेकेंड इसका डिफेक्ट है, मॉडर्न रिसर्चेस हैव शोन दैट एटॉमिक मॉडल इज 3D बट बोहर सजेस्टेड दैट एटॉमिक मॉडल इज 2D। बोहर ने ये कहा था कि जो मॉडल है एटम का जो मॉडल होता है वो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो 2D होती है, 2 dimensions में होती है, लेकिन मॉडर्न रिसर्चेस ने ये कहा कि जो एटम की डायरेक्शन हो सकती है वो 3D हो सकती है, तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई और जेड में। तो ये इसका दूसरा डिफेक्ट था। तीसरा है फाइन स्ट्रक्चर्स, दी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू सेवरल फाइन लाइन व्हेन पासिंग थ्रू हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर। तीसरा डिफेक्ट इसका ये है कि जब हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को किसी हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में देखते हैं तो हमें हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम है उसकी मजीद स्प्लिटिंग नजर आती है। इस तरह से अगर हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी करें, उसको हम ब्रॉडर वे में देखें और अगर हम उसको हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में देखें तो हमें यहाँ पे मजीद स्प्लिट होती हुई लाइन नजर आएंगी। हमने इसको हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में देखा तो हमें एक लाइन की मजीद स्प्लिटिंग नजर आई, ये एक लाइन जो है वो मजीद लाइन्स में तकसीम हो गई, तो इन लाइन्स को हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर्स। तो बोहर ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, बोहर ने तो ये बोहर का जो है वो तीसरा डिफेक्ट था कि जब हम किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में देखते हैं तो वो मजीद स्प्लिट हो जाती है बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड फाइन लाइन्स। चौथा डिफेक्ट इसका क्या था, सी मैंने इफेक्ट किया है कि जब हम किसी एटम के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में देखते हैं, अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में किसी एटम के स्पेक्ट्रम को देखें तो वो जो लाइंस होती हैं वो हमें स्प्लिट, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं जिनको हमने हाई पावर रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में देखा था, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये वाली जो लाइंस हैं ये मजीद हर एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो मजीद स्प्लिट होती हुई हमें नजर आई है, कि जो ये जो एक लाइन है ये हमें तीन तीन लाइन में स्प्लिट होती हुई नजर आएगी। तो बोहर ने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था और ये जो लाइंस, ये वाली जो लाइंस स्प्लिट हो रही है मजीद तकसीम हो रही है, इसका मतलब है कि ये जो एक एनर्जी लेवल था इसमें मजीद एनर्जी लेवल्स हैं, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं जिनको बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। इसका मतलब है कि ये हर लाइन, हर एक जो स्पेक्ट्रल लाइन है इसकी एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, और इस हर एक लाइन को हम शेल या ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, कि एक जब हमने एक लाइन को स्प्लिट होते हुए देखा तो इसका मतलब है ये एक एनर्जी लेवल है, तो इस एनर्जी लेवल के अंदर मजीद छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी जो है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में मौजूद है। तो बोहर ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट फाइव इफेक्ट है स्ट्राइक इफेक्ट, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस एंड पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी ऐसे ही है, जब हमने किसी एटम के स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में देखेंगे तो वो जो लाइंस हैं स्पेक्ट्रल लाइंस वो हमें मजीद तकसीम होती हुई नजर आएंगे, तो बोलते हैं स्ट्राइक इफेक्ट।
ज़ीमन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट में डिफरेंस ये है कि ज़ीमन इफेक्ट में हम किसी एटम का जो स्पेक्ट्रम है उसको मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में देखते हैं, और जो स्टार इफेक्ट है उसमें किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में देखते हैं। तो ये बोहर के मॉडल में ये इफेक्ट्स थे। तो कोडिफिकेशन समर फ्रेंड एक साइंटिस्ट था, उसने 1915 में ये सजेस्ट किया था दैट अ मूविंग इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब एलिप्टिकल ऑर्बिट्स इंस्टेड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स। उसने बोहर के मॉडल में एक मॉडिफिकेशन की थी, क्योंकि बोहर के हमने फर्स्ट पार्टिकुलेट में देखा कि बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गोल गोल सर्कल में मूव करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, लेकिन उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गोल गोल सर्कल में मूव नहीं करते, मतलब वो गोल गोल मूव नहीं करते बल्कि एलिप्टिकल मैनर में मूव करते हैं। एलिप्टिकल मैनर में इस तरह से मूव करते करते वो अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यानी कि उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना सर्कल तो पूरा करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, लेकिन गोल गोल नहीं, वो एलिप्टिकल मैनर में इस तरह से मूव करते करते अपना एक सर्कल मुकम्मल करते हैं, और जो न्यूक्लियस होगा वो किसी भी एक, ये जो एक एलिप्टिकल पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे एलिप्टिकल ऑर्बिटल, और इसी और इसको हमें फोकी भी बोलते हैं, फोकी। और इसी इन्हीं फोकीज में से एक फोकी के अंदर जो न्यूक्लियस है हमारा वो मौजूद होगा। तो ये हमने सारा टॉपिक एक्सप्लेन कर लिया है पोस्टुलेट्स और उसके डिफेक्ट्स के बारे में, फिर एक मॉडिफिकेशन जो समझ करने की थी। तो आज के लिए